अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ करे से होगे। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत मजे की होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सा ट्रिक और एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग लाजमी वीडियो को वॉच करें, इससे पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला और बुलंद हो। तो शुरू करता हूँ, चले। तो फ्रेंड्स, आज की जो ट्रिक है ना वो ये है कि मेरे पास यहाँ मौजूद है एक इस तरह का एक बर्तन, ठीक है, और इसमें मैं लूंगा थोड़ा सा पानी। तो गाइस, इस बोतल पे मैंने, इस बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर मैं इस पाइप को इसके अंदर ढालूं और पानी ऊपर की तरफ जा सकेगा, नहीं ना। अगर मैं पाइप को इस पानी के अंदर इस तरीके से रखता हूँ और पाइप के दूसरे सिरे को मैं इस तरह ऊपर रखता हूँ तो पानी ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो एक इजी ट्रिक की मदद से और साइंस की मदद से आज हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाइप का यूज़ कर रहा हूँ और इस पाइप में मैं कुछ इस तरीके से यहाँ इस टेप की मदद से कुछ इस तरीके से आप देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो गाइस, ये तो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस पाइप को मैं इस पानी में कुछ इस तरीके से घुमाऊंगा। ये देखो, ये पाइप इसके अंदर गया, ठीक है, अब ये ऊपर आया, ये भी गया, ये ऊपर आया। अभी आप देखते जाओ, खुद ब खुद इससे पानी निकल आएगा। तो गाइस, बस पानी पहुंच गया है। गाइस देख सकते हो, पानी की बूंदें गिरी है यहाँ से, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये देखो गाइस, ये खुद अब पानी इस तरह ऊपर आ रहा है। हालांकि ये साइड ऊपर है और प्लेट में जो बर्तन में जो पानी है वो नीचे की साइड है, तो मैं पानी इसमें और ऐड कर दूँ। तो गाइस, आप लोग देखो, तो गैस आप लोगों को समझ आ रहा है, इसका जो ये साइड है ये जब पानी के अंदर कुछ इस तरीके से, आप लोग देखो इस साइड को, अच्छा, जब ये पानी के अंदर मैं इस तरह घुमा रहा हूँ तो ये पानी के अंदर ये साइड यहाँ से इस साइड से चला जा रहा है, और यहाँ से इस तरह घूमने के बाद ये जो पानी है इस पाइप के अंदर आ जा रहा है, और ऊपर आने के बाद ये हवा से एयर टाइट हो जा रहा है, जिसकी मदद से जो पानी होता है वो मूव करते हुए इसके इस साइड ऊपर की साइड आ गया, और फिर ठीक इसी तरीके से ये पाइप वापस नीचे गया और फिर इसने पानी लिया थोड़ा सा अपने हिस्से का, और फिर उसके बाद ये पानी वापस ऊपर आ गया और यहाँ पर ये एयर टाइट हो गया, और उसके वजह से फिर ये पानी जो इसके अंदर जो गया था पाइप के वो इस तरह घूमते हुए यहाँ तक आ गया। तो इस तरह ये ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये थी आज की एक सिंपल सी ट्रिक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा दूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह।